464 वाला वेरिएंट हमने ऑर्डर किया है, कलर है क्रिस्टल ग्रीन। तो अब इसको खोल के देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एक कवर मिल जाता है, तो कुछ इस तरह का कवर है, आप देख सकते हैं रियलमी का। इसको साइड में रखते हैं और ये आता है हमारा फोन, तो अभी साइड में रखते हैं। और हमें यहाँ इसके बाद में मिलता है एक चार्जर और उसकी केबल का। तो अब आते हैं अपने फ़ोन पे, फ़ोन को हम देखते हैं कलर इसका कैसा है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपको बैक का लुक मिल जाएगा, देख सकते हैं आप। क्वाड कैमरा के साथ आता है ये। बाकी डिटेल फीचर्स की तो इसके साथ आपको मिलता है ये टाइप सी का केबल, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इस तरह का। तो खोल लेते हैं, आप देख सकते हैं वाइट कलर की आपको केबल मिल जाती है जो कि टाइप सी है। तो इसको अभी रखते हैं। और आपको मिलता है वूक 3.0 4 एम्पेयर का चार्जर जो कि कुछ इस तरह का है, इसको भी रखते हैं। और ये है सिम इजेक्टर टूल जो कि इसके साथ मिल जाएगा आपको। और ये आता है हमारा कवर केस और हमारा फ़ोन, तो जो दिखाई दिया मैंने, और जो बाकी जो भी रद्दी है वो इस डिब्बे में रख दिया मैंने। तो यही था इस फ़ोन के बारे में। और अब चलो इसे हम बूट कर लेते हैं। तो आई होप इसमें बैटरी हो, तो देखते हैं। तो इसमें बैटरी है तो इसको रिबूट होने में टाइम लगेगा। तो चलो हम इसके फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं थोड़े स्पेसिफिकेशन। तो इसमें यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाएगा और यहाँ पे आपको एक नॉइज़ कैंसिलेशन मिल जाएगा, ये देखिए आप। और इधर आपको पावर वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाएंगे, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पे हमको एक सिम इजेक्टर, तो चेक कर लेते हैं कि इसमें कौन सा सिम स्लॉट मिलता है। तो इसमें दोस्तों हमको यहाँ पे हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है जो कि रियलमी 5 प्रो में नहीं था और रियलमी एक्स में भी था। तो इसमें दोबारा रियलमी 5 प्रो में इसने दे दिया है, तो इसे हम वापस पुश कर देते हैं। तो आगे हम देखते हैं, यहाँ पे हमको हमारा प्यारा दुलारा हेडफोन जैक मिल जाता है 3.5 mm का। और यहाँ पे हमको वॉइस स्पीकर मिल जाता है और यहाँ पे हमको टाइप सी चार्जिंग मिल जाती है और यहाँ पे हमको स्पीकर मिल जाते हैं। तो बस यही कुछ थे इसके फीचर। और यहाँ पे हम कैमरे की बात कर ले तो हमको यहाँ पे कैमरा 48 MP का कैमरा, मेन कैमरा प्राइमरी कैमरा मिल जाता है। यहाँ पे एक 8 MP का कैमरा मिल जाता है जो कि डेप्थ सेंसर के लिए काम आएगा। और 2+2 यानी एक पोर्ट्रेट कैमरा है जो कि पोर्ट्रेट में हमको हेल्प करेगा और एक डेप्थ सेंसर के लिए। और यहाँ पे हमको फ्रंट कैमरा मिल जाता है 16 MP का। तो ये थे इसके कुछ स्पेसिफिकेशन और चलिए इसे हम रिबूट कर लेते हैं। सामने बूट हो चुका है ये रियलमी 5 प्रो। तो हम इसके अंदर जाके सेटिंग में जाके चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो हम जाके चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो अबाउट फोन में जाएंगे। तो यहाँ पे डिवाइस नेम रियलमी 5 प्रो है और ये कलर OS V6.0 पे चल रहा है अभी। एंड्रॉयड वर्जन 9 पाई है। प्रोसेसर इसमें
क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और मैंने इसमें 64 स्टोरेज के अंदर वेरिएंट के अंदर मंगाया है ये, तो आप आपके हिसाब से इसको चूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल दोस्तों इसके अंदर यही है, और तो आप देख लीजिएगा कुछ। और तो दोस्तों मैं आपको इसके अंदर कुछ सिक्योरिटीज़ के बारे में बता देता हूँ कि क्या इसका लॉक कितना रेस्पॉन्स दे रहा है कितना नहीं। तो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं कि फिंगरप्रिंट कैसा है इसका। तो हम सबसे पहले तो देखिए दोस्तों ये कितनी फास्ट रेस्पॉन्स दे रहा है। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने जैसे फिंगर लगाया, ये देखिए दोस्तों जैसे फिंगर लगाया जैसे ही अनलॉक हो चुका। तो अब इसकी हम फेस अनलॉक के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, जैसे मैंने इसको ये किया, ये देखिए दोस्तों, बस यहाँ पे आपको टैप करना है, ये देखिए। तो कुल मिला के दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया फ़ोन है और फास्ट रेस्पॉन्स दे रहा है सिक्योरिटीज़ के मामले में। तो फिलहाल दोस्तों यही था इसमें। और यहाँ पे आपको एक ड्रॉपलेट नॉच मिल जाएगी, ये देखिए दोस्तों। तो दोस्तों यही था इसमें फिलहाल। स्नैपड्रैगन आपको 712 मिलता है, तो अब चेक करते हैं कि ये कैसा परफॉर्म करता है। तो सबसे पहले अपन चालू कर लेते हैं अपना पबजी मोबाइल, देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको ओपन होने में। इसको स्टार्ट होने में वैसे ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा, बस वो नेट प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा उसमें टाइम लग गया। तो अब मैं आपको इसकी ग्राफिक की सेटिंग्स दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं स्मूथ के साथ ये अल्ट्रा तक जाता है, बैलेंस के साथ भी अल्ट्रा तक जाता है, और HD के साथ हाई, और HDR इसमें अभी अवेलेबल नहीं है। तो इसको ओके कर देते हैं। तो सबसे पहले स्मूथ प्लस अल्ट्रा पे जाते हैं, क्योंकि अपन को स्मूथ गेम प्ले चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो TDM मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी तक तो कोई लैग वैग का मेरे को मिला नहीं है। तो अब अपन इसको थोड़ा बैलेंस प्लस अल्ट्रा करते हैं। तो बैलेंस प्लस अल्ट्रा में देखते हैं कैसा परफॉर्म करता है। बहुत स्मूथ गेम प्ले मिल रहा है मेरे को बैलेंस प्लस अल्ट्रा में भी। अपन अगर जाएं HD प्लस हाई पे तो शायद थोड़ा लैग मिल सकता है, श्योर तो नहीं लेकिन शायद मिल सकता है। तो एक बार इस पर भी टेस्ट कर लेते हैं। फ्रेम में मेरे को थोड़ा सा हल्का सा लैग दिख रहा है। इतना तो नहीं लेकिन सही है वैसे अभी तक तो। और आगे देखते हैं कोई लैग वैग होता है क्या, बताऊंगा मैं उसके बारे में। सही है वैसे, इतना कोई लैग नहीं मिल रहा मेरे को इसमें HD में भी। HD प्लस हाई भी सही है लेकिन मैं रिकमेंड स्मूथ प्लस अल्ट्रा करूँगा। तो हमने सैंपल के तौर पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ये वीडियो हमने Realme 5 Pro के स्लो मोशन मोड में शूट की है।
तो ओवरऑल ये फ़ोन 14,000 की प्राइस रेंज में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आपका भी बजट 14,000 है और आप सोच रहे हैं कोई फ़ोन लेने की, तो जिसमें अच्छा कैमरा, अच्छा गेमिंग प्रोसेसर हो, अच्छा डिस्प्ले और अच्छा लुक और अच्छी बैटरी हो, तो मैं आपको Realme 5 Pro ही रिकमेंडेड करूँगा। तो अगर आप हमें Instagram पे फॉलो करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए यूज़र नेम्स पे जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रख लेना ताकि अगर हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप आके देख लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।